मैं आप लोगों को बिल्कुल बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं डांस करूँ, मैं जंप मारूँ, ये वो सारा सीन। इतनी मेहनत के बाद फाइनली 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 जुकाम भी हो गया, खांसी भी हो गई और थोड़ा सा फीवर भी हो गया। अब काफी बेहतर है, इस वजह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग मैं इसलिए अपलोड नहीं करा क्योंकि मुझे दोस्त ने कहा अभी ब्लॉग अपलोड नहीं करना, मोनेटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि वो पिछली वीडियो रिव्यू करेंगे फिर दूसरी वीडियो अपलोड करोगे तो फिर वो उसमें इतना टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से अभी अपलोड नहीं करो, बना रहे में वो सारे जो मतलब मोमेंट्स थे वो कैप्चर कर पाता, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने कहा यार चुप करके बस शांति से आराम से मैं इसको ना फिल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, उसके बाद जो है ना रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। उस चक्कर में हमें बात ही याद नहीं रही, हमने अप्लाई किया, लेकिन हाँ मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो इस पर ज़रूर आएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में थोड़ी सी जो है ना मसलहत पैदा हो गई, और इस वजह से मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें आप पहले चेक करना, उसके बाद जो है अपना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम अप्लाई करना, ताकि आप भी कहीं बीच में सड़क पर रुके ना रहें, समझ रहे हो आप। नहाने का कोई सीन नहीं है, पहले ही मैं नहा के पंखे के नीचे बैठा था, वो हालत मेरी टाइट हुई पड़ी है, मुझे पता है मैं कैसे वो जो है ना झेल रहा हूँ सब कुछ, तो अभी कोई सीन नहीं भाई नहाने का। दूर से देखो, दूर से एंजॉय करो, वापस बैठ जाओ। खाना शाना खा लिया था और चाय चाय पी ली, अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, मेडिसिन भी ले ली थी, तो अब हम भी मैं बैठा हुआ था, मैं सेटअप कर रहा था अपना सेकंड चैनल जो कि गेमिंग चैनल और दूसरे स्टफ़ के साथ होगा, मतलब रिएक्शन वीडियोस हो गई या कुछ ऐसे टाइप की वीडियोस जो मतलब मैं मेन चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता, जहाँ सिर्फ व्लॉगिंग होगी। सेटअप हो गया है मेरा वो सारा चैनल, हम भी आपको बता दूंगा जल्दी, लेकिन पहले वो अच्छे से सेटअप हो जाए, उसके बाद उसमें काफ़ी सारी गेम्स पर हम स्ट्रीमिंग करेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे, सारा सीन करेंगे। ये है हमारी डायरी जिसमें हम सारा कुछ लिखते हैं, इरफान अहमद टू डू लिस्ट, यूट्यूब, इरफान अहमद फॉलो, सारा सीन होता है इसमें, हम जो है ना लिखते जाते हैं कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, ये हमारे पियानो की पेनी की स्पॉसर वीडियो नहीं, लेकिन ये सारा सीन है जो हम इसमें लिखते हैं, क्योंकि आप अगर प्लानिंग के साथ चलते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ना टाइम के साथ कर लेते हो कवर। अब से आपको हमारे चैनल पे फुल ऑन फुल टाइम जो है ना यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी, फुल टाइम जो पैसे कमा रहा है वो है यूट्यूब की डेली व्लॉगिंग, जो मैं काफ़ी टाइम से पर्सनली, मुझे ये डेली व्लॉगिंग का जो सीन है ना, एक होता है व्लॉग्स जो आप वीकली देते हो, मंथली देते हो, फुल टाइम, एक होता है डेली व्लॉग जो फ्लाइंग बीस्ट, मुंबई कर, निकल, MSK, ये तीन जो है ना मेरे फेवरेट हैं, और कैसी नेस्टी, ये सारे। तो डेली व्लॉगिंग का सीन जो है ना मेरा आपसे फुल टाइम ऑन है, डेली व्लॉग आएगा और आप लोग देखेंगे। इस्लामाबाद में ठंड जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही, अब आप देख रहे होंगे मुझे जैकेट शैकेट पहनी हुई, उसकी वजह यह है कि बारिश हो जाती है उसके बाद फिर से ठंड शुरू हो जाती है, बारिश हो जाती है फिर ठंड शुरू हो जाती है, तो जब तक कि बारिश का सिलसिला चलता रहेगा ना तब तक ये ठंड जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। ये सीधे क्या कर सकते हैं, चलिए काम करके आते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं डांस करूँ, मैं जंप मारूँ, ये वो सारा सीन। इतनी मेहनत के बाद फाइनली फाइनली फाइनली